फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस एंड उसकी गाइडलाइंस। तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वो मतलब हम अलग अलग टाइप के असेट्स में कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब देखो नॉर्मल सी बात है, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने अपना पैसा कहीं लगा दिया, कहीं कंपनी के शेयर खरीद ले हो, बैंक में डिपॉजिट कर दिया हो, या आपने कोई मशीनरी वगैरह खरीदी हो और उसको किराए पर दे दिया हो, ऐसे ही आपने कोई घर बनाया हो और उसको किराए पर दे दिया हो, मतलब इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आपको इनकम जनरेट करके दे फ्यूचर में, ठीक है। तो वो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अट्रैक्ट करती है बहुत सारे लोगों को अलग अलग ऑक्यूपेशन से, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस से, एजुकेशन से, फैमिली बैकग्राउंड से, ठीक है। तो मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के द्वारा या किसी एक स्पेशल बैकग्राउंड, वो अलग अलग लोग हो सकते हैं, मिक्स हो सकता है, ठीक है। फिर बात आती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पार्ट हो जाता है एक टाइप से कहे तो सेविंग का भी, क्योंकि देखो आज हम बचाएंगे तभी तो फ्यूचर में हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेविंग वैसे क्या होते हैं, तो आप जितना कमा रहे हो इनकम आपकी और उसमें से आपने जितना खर्च कर दिया उसके बाद जो पार्ट बच जाता है वो आपका क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है, ठीक है। तो कहता है कि जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, वो क्या चाहता है कि भाई जो पैसा वो लगा रहा है उसे क्या मिले, उससे रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले। फिर बात आती है कि एक सेवर भी इन्वेस्टर नहीं हो सकता हमेशा, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा डिफरेंस होता है कि एक सेवर और इन्वेस्टर में। कैसे, आपने पैसे बचाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आपने पैसे बचा लिए अपने बर्थडे के लिए, ठीक है, अपने घर में रख लिए डब्बे में और बर्थडे आया तो आपने उसका सेलिब्रेशन किया, तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी क्योंकि उस सेविंग का कहीं भी ऐसा जनरेट मतलब यूज़ नहीं हुआ जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो। जबकि अगर आपने अपने बर्थडे के लिए पैसे बचाए और उन पैसों को ही बचाते बचाते आपने बैंक में डिपॉजिट किया हो तो उससे क्या होगा, आपको उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, तो वो एक टाइप सी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो इन्वेस्टमेंट जो एक्टिविटी होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है जब असेट्स को परचेज किया जाता है इस इंटेंशन के साथ कि वो हमें क्या देगी, रिटर्न देगी फ्यूचर में, ठीक है। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को एक एक्टिविटी के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें हम पैसे को लगाते हैं और मेन क्या होता है हमारा एम कि है ना ये हमें इनकम अर्न करके देगी या जो हमारी वैल्यू है असेट्स की उसको बढ़ाएगी। इन्वेस्टमेंट में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिस्क और रिटर्न, ये दोनों साथ साथ चलते हैं कि कई बार पैसा लगाया हुआ उससे अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है और कई बार हमें खतरे के कारण लॉस भी हो जाता है, तो रिस्क रिटर्न दोनों इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फिर बात आता है कि आपको जैसे इसमें बता रखा है कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो आपको सेक्रीफाइस करना होता है अपने कंजप्शन को, क्योंकि देखो आपका पैसा है अगर आप उसको कंज्यूम कर लोगे, आप उसको एक्सपेंस में मतलब खर्च कर दोगे, आप उसको एक्सपेंस कर दोगे तो क्या आपके पास कुछ बचेगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते। तो यही बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका मेन पैरामीटर ये है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने करंट कंजप्शन को। जैसे इसने एग्जांपल दिया, एक आदमी है वो पैसे को खर्च करके घर खरीद लेता है, क्यों, अपने रहने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन ये उस प्रकार की नहीं कि जो फ्यूचर में हमें इनकम जनरेट करके दे, ठीक है। जबकि एक आदमी लगा लो उसी घर को खरीदे और उसको किराए पर दे दे तो फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी, ठीक है। फिर हमें दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट दी गई कि दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक फाइनेंशियल और एक इकोनॉमिक, उनके बीच में डिफरेंस बताया गया। तो फाइनेंशियल मतलब जैसे भाई जो फाइनेंशियल है, लाइक एज डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रीमियम मिलता है, पेंशन बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, तो ये जो हमारी फ्यूचर इनकम हो रही है इस प्रकार की, तो ये हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने बैंक में पैसे जमा कराए तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स में पैसे लगाए तो डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर पे पैसे लगाए तो इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि इसमें जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो आते हैं, उनकी वैल्यूज़ को बढ़ाना। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, उस मशीन से आपने डबल मशीनरी कर ली, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दिया, नई बिल्डिंग्स बना ली, इन्वेंटरी बढ़ गई, तो ये सारा हमारे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में आता है। फिर फीचर्स क्या हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या क्या करेक्टरिटीज़ हैं, तो देखो नॉर्मल वही है, रिटर्न मिलता है इससे हमें, इस पर रिस्क भी होता है, इसमें सेफ्टी मेजर इंपॉर्टेंट होता है, और लिक्विडिटी। देखो पहला आता है हमारा रिटर्न, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ की जाती है कि फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनका मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हमें रिटर्न मिले। जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो कहता है कि ये भी हो सकता है जितना पैसा मैंने लगाया है वो हमेशा मेरे को बढ़ के ही मिले। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का अगर हमसे कोई मीनिंग पूछ ले तो वो होता है कि जो आपने बेचा अपने असेट्स को और जब आपने अपने असेट्स को खरीदा था तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब आपने जितने पैसे लगाए और जितने आपको रिसीव हुए उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है कि कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हर इन्वेस्टर का मेन मोटिव होता है रिटर्न, और जब रिटर्न अच्छा होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और जो रिटर्न होता है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के टाइप पर, उसके मैच्योरिटी पर और मार्केट में कैसी डिमांड वगैरह है।
अगर मार्केट में पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड वगैरह है तो एक इन्वेस्टर के लिए वो बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, क्योंकि जो कंपनीज वगैरह हैं वो पैसे को ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, इंसेंटिव देंगी, अट्रैक्ट करेंगी। दूसरा आता है रिस्क। रिस्क भी इन्वेस्टमेंट के साथ ही चलता है। रिस्क कहता है कि लॉस, मतलब जब कैपिटल का लॉस हो जाए, रीपेमेंट हो कैपिटल हो, या आपको इंटरेस्ट पे ना किया जाए, ठीक है, तो ये हमारा रिस्क कहलाता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो रिस्क उसके साथ साथ चलता है। रिस्क कहता है कि इन्वेस्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। रिस्क भी मैच्योरिटी पीरियड, रीपेमेंट कैपेसिटी, नेचर ऑफ रिटर्न, इन सभी से रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा मैच्योरिटी पीरियड होता है उतना ज़्यादा रिस्क होता है, और वैसे ये बात भी हमें पता है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न भी होता है, ठीक है। अगर लगा लो आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, मतलब जो टाइम पर पेमेंट वगैरह नहीं कर सकती, तो वहाँ पर रिस्क वगैरह ज़्यादा होगा। रिस्क वेरी करता है नेचर ऑफ रिटर्न ऑफ कमिटमेंट के साथ साथ, ठीक है। फिर बात आती है सेफ्टी। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि जब भी हम इन्वेस्टर पैसे लगाता है तो उसकी डिजायर होती है कि उसे अच्छा रिटर्न मिल जाए और सेफली मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर लॉस होगा तो नॉर्मल सी बात है, उसके पास आगे के लिए पैसा नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सेफ हमारे देश में मानी जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बैंक डिपॉजिट, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह पे, बैंक डिपॉजिट वगैरह पे हमें गारंटी होती है कि कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर मिलेगा। लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे आपके हाथ में पैसा है, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और आपकी जो बैंक डिपॉजिट आप उनको कभी भी निकाल लो, वो भी लिक्विड है, ठीक है। आपके शेयर्स वगैरह हैं उनको, वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, उनको बेच के आप पैसे, तो अन इन्वेस्टमेंट दैट इज इजिली सेलेबल और मार्केटेबल, मतलब जिसको आप आसानी से बेच सकते हो, मार्केटेबल कर सकते हो बिना किसी लॉस ऑफ मनी के या लॉस ऑफ टाइम के, तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। मतलब जब आपको ज़रूरत हो उस टाइम पर आप पैसा जब जनरेट कर पाओ जिन चीज़ों से, वो आप ये लिक्विडिटी में, जैसे बैंक डिपॉजिट्स हो गया, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, ये सब। अब आते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो जो कहता है कि मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि रिस्क को मिनिमाइज करना और जो हमारी रिटर्न वगैरह उसको मैक्सिमाइज करना। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव को क्या बांटा गया है, देखो दो प्रकार से हैं ऑब्जेक्टिव, एक मेन ऑब्जेक्टिव है, एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव में आता है मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न, मिनिमाइजिंग द रिस्क। सब्सिडरी में आ जाता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग सेफ्टी एंड सेविंग टैक्स। इन्वेस्टर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव पहला क्या होता है, मैक्सिमाइज द रिटर्न। इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि ग्रोथ हो, इंक्रीज हो उसकी जो करंट वेल्थ है, मतलब आज उसके बाद जो पैसा है फ्यूचर में वो बढ़े हमेशा। किससे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से, मतलब अपॉर्चुनिटी होती है जो फ्यूचर में उससे गेन करवाएं, जो लाभ करवाएं, ठीक है। गिवन एन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट एन इन्वेस्टर प्रेफरेंस विल बी हाईएस्ट रिटर्न। नॉर्मल सी बात है, हर इन्वेस्टर का एक ही सोच होती है कि उसे अच्छा रिटर्न मिले। दूसरा होता है मिनिमाइजिंग द रिस्क। अब अगर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसे रिटर्न अच्छा मिले, तो उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि जो रिस्क है वो हमेशा क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो। इट रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। नॉर्मल सी बात है, रिस्क के साथ ही रिटर्न रिलेट करता है। अगर रिटर्न अच्छा चाहिए तो रिस्क तो उसके साथ साथ चलेगा ही। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क है ना, वो जस्ट एज इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि हम रिटर्न वगैरह देखते हैं। रिस्क भी उतना ही जरूरी है जितना कि रिटर्न जरूरी है, क्योंकि मिनिमाइजिंग द रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग द रिस्क रिटर्न आर इंटररिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर बात आती है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मार्केटेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड इट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करे। लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, ये डिटरमाइन करता है ईज, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग द इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। हमारा हेजिंग, हेजिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बचाव करना। किससे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब जो हमारी, मतलब हमारी जो भी चीज़ें होती है कमोडिटीज़ वगैरह होते हैं, उनके प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते जाए मार्केट में, तो इन्फ्लेशन क्या करता है, रिड्यूस करता है वैल्यू ऑफ मनी को। क्योंकि देखो पहले आपको 5 रुपए में जो चीज़ मिल रही थी, आज इन्फ्लेशन के कारण वही चीज़ आपको कितने रुपए में मिल रही है, 10 रुपए में मिल रही है। तो इससे क्या हो गया, आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर ठीक है हंस मेड विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ए हैज और प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि भाई अच्छा रिटर्न मिले और फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन वगैरह वो हम फेस कर पाएँ। तो कहता है कि एक ऑब्जेक्टिव ये होता है इन्वेस्टमेंट करने का कि हम इन्फ्लेशन वगैरह को कम करवाएँ, अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। इंक्रीजिंग सेफ्टी। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ना अलग, मतलब अलग अलग चीज़ों से अफेक्ट होता है, अलग अलग प्रकार के रिस्क है, और जो रिस्क है वो अफेक्ट करता है ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट को बल्कि जो उसका रिटर्न होता है उसको भी, ठीक है। तो इसलिए हम चीज़, सब चीज़ों को देखना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट को रैंक दी गई है कि भाई सेफ्टी के अकॉर्डिंग, जैसे भाई बैंक डिपॉजिट बहुत ज़्यादा सेफ होती है, आपको पता है पैसा इन्वेस्ट करोगे, डिपॉजिट करोगे बैंक में तो एक इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूटेड यूनिट्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, इक्विटी से डिपॉजिट वगैरह। सेविंग टैक्स,
कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसलिए भी हमें इंक्रीज मतलब अट्रैक्ट वगैरह करते हैं क्योंकि सेव करते हैं टैक्स को। जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों कराते हैं, क्योंकि पता है उसका जो प्रीमियम वगैरह है उसके ऊपर हमें टैक्स की छूट मिल जाती है 80C सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हम हमारे इनकम टैक्स वगैरह में पढ़ते हैं। तो ये टैक्स इंसेंटिव देते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स, इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सेव करें टैक्स को, हमारे रिटर्न को मैक्सिमाइज करें। अब आता है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, स्टेजेस इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट का क्या क्या प्रोसेस। सबसे पहले याद आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करेंगे, फिर वैल्यूएट करेंगे, फिर पोर्टफोलियो को बनाएंगे, और फिर लास्ट में उस पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करेंगे कि भाई पोर्टफोलियो जो हमने बनाया था वो कैसा रहा है, क्या उससे हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो क्या क्या डिविएशंस हैं उनको दूर करना। तो क्या है फ्रेमिंग द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फ्रेम करना मतलब प्रिपेयर करना इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को। पहली स्टेज है डिटरमाइन करना एंड इन्वॉल्व करना पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर्स कोर ऑब्जेक्टिव को इन्वेस्टमेंट करने से पहले, भाई आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, उनको ध्यान में रखते हुए हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। ये जो स्टेज होती है इसे हम एक टाइप से कहें तो प्रिपरेशन स्टेज बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की। एसेंशियल इंग्रेडिएंट मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, क्या क्या जैसे जरूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले होता है इन्वेस्टेबल फंड, कि भाई आप जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो वो जो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होता है वो किसके मतलब अराउंड घूमता है, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, ठीक है, ये पैसा आपकी सेविंग से आ रहा है या आप उधार ले रहे हो। अगर पैसा उधार लोगे तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहोगे इसको इन्वेस्ट करने टाइम, क्योंकि आपको पता है एक टाइम के बाद आपको भी वो वापस देने हैं जिस इंसान से आपने उसको उधार लिया है, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इन डिटरमिनेशन इज बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी रेट ऑफ रिटर्न पे ही है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, रिस्क को हम टॉलरेट कर पाएं, लिक्विडिटी मेंटेन रहे। नॉलेज होता है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव के, मार्केट में किस किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं और जो मार्केट है वो कैसे वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाते टाइम हमें है ना क्या क्या पता होना चाहिए, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, और नॉलेज वगैरह कि मार्केट में क्या क्या किस प्रकार की सिक्योरिटी अवेलेबल है, कौन सी हमारे बेनिफिशियल है, वो सब। फिर दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट को हम एनालाइज करते हैं, जब इंडिविजुअल है उसने देख लिया कि भाई उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके पास कितना पैसा वगैरह अवेलेबल है, तो अब वो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करेगा, ठीक है, इसके लिए वो क्या करेगा। तो कहते हैं सिक्योरिटीज टू बी ब्रोट आर सिक्योरिटाइज थ्रू मार्केट इंडस्ट्री एंड कंपनी, अब जिन सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करना चाहता है उनको क्या करेगा सिक्योरिटाइज चेक करेगा, किससे, मार्केट से, इंडस्ट्रीज और कंपनी के एनालिसिस से। तो मार्केट एनालिसिस में क्या चेक करता है, कहते हैं स्टॉक मार्केट क्या दिखाता है हमें, जनरल इकोनॉमिक सिनेरियो दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है, गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन दिखाता है कि जो भी स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, भाई इकोनॉमी में रिसेशन है, बूम है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा। इंडस्ट्री को एनालाइज करेगा क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती हैं, वो कैसे पता चलता है उनकी ग्रोथ से, ठीक है, तो हम वो उनको भी देखेगा। फिर कंपनी का एनालाइज करेगा, पर्पज जो कंपनी एनालिसिस हेल्प होता है इन्वेस्टर को बेटर डिसीजन, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है सेम पर्पज होता है सेम काम होता है लेकिन कहीं पे अच्छा अर्निंग हो रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की इफिशियंसी अच्छी होती है, तो वो देखता है। फिर आता है वैल्यूएशन करना, थर्ड स्टेप आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है कि वैल्यूएशन करना इन्वेस्टमेंट का। वैल्यूएशन करना मतलब डिटरमाइन करना कि कितना रिटर्न मिलेगा किसी पर मतलब पर्टिकुलर एसेट से और कितना वहाँ पर रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पता करते हैं इंट्रेंसिंग वैल्यू की, एक शेयर की कितनी मतलब वैल्यू है, ठीक है। फिर आता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो एक कम्बिनेशन है सिक्योरिटीज़ का, ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं भाई हमें कितना शेयर्स में लगाना है, कितना डिबेंचर्स में पैसा, कितना बॉन्ड्स में लगाना है, या ये अलग अलग सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या हमारा ये सेक्टर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, जैसे हमें स्टॉक्स में लगाना है, बैंक में डिपॉजिट करवाना है या अदर कोई एसेट्स वगैरह में करना है। तो पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटीज़ का, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को ना हमें क्या चाहिए अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की नॉलेज चाहिए, तो मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क चाहता है कोई भी इन्वेस्टर, तो इसके लिए क्या करेगा वो डाइवर्सिफिकेशन लेवल डिटरमाइन करेगा, इन्वेस्टमेंट टाइमिंग डिटरमाइन करेगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स को मतलब सिलेक्ट करेगा कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करे, एलोकेट करेगा फंड्स को अलग अलग एसेट्स में, मतलब एक जगह भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो फॉर फीडबैक, और इवैल्यूएट करेगा फीडबैक के लिए पोर्टफोलियो को। फिर इसके बाद आता है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, एक पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है इफिशियंटली, इफिशियंट मैनेजमेंट कॉल्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ये जो प्रोसेस होता है ना इसमें कहता है कि दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, एक तो पोर्टफोलियो अप्राइजल और एक रिविजन। इस स्टेप में क्या होता है कि जो वेरिएबिलिटी है रिटर्न में सिक्योरिटीज़ में उनको मेजर किया जाता है और कंपेयर किया जाता है, क्योंकि कहता है कि जो डेवलपमेंट हमारे देश में इंडस्ट्री में रिलेवेंट कंपनीज में वो क्या जाता है कि भाई उनको इवेल्युएट करो, क्योंकि
कभी भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो पोर्टफोलियो अप्रेजल में देखते हैं कि जो हमने पोर्टफोलियो बनाया जहाँ जहाँ हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो कितना रिटर्न देगा, क्या क्या वार्निंग है हमें, कौन कौन से लॉसेज को फ्यूचर में अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ पे नहीं, और फिर रिवाइज कर देगा उसमें, उसके अकॉर्डिंग चेंज वगैरह कर देगा सिक्योरिटीज़ वगैरह में, पहले जो लिया था अगर उससे रिस्क हो रहा है तो उसको हटा देगा, या जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये सब देखता है। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।